हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं और वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप सबने देखा कि मैं कल वापस आ चुकी थी, बच्चों से भी मिली और आप सबने देखा भी, और बहुत अच्छा रहा वो घर पे रहना, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना। आपने सारा देखा और आपने व्लॉग्स को बहुत प्यार दिया, हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहना और इसी तरीके हमें प्यार देते रहना। और जो मेरी इस बुंडी सी शक्ल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको मेरे आने वाले एंटरटेनिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब का अपडेट ये है कि एक्चुअली कल है हमारे रिश्तेदारी में, यानी कि सहज की बुआ जी के घर पे है जागरण, जो कि हम इनवाइटेड हैं एज यू नो ओवेल कि हम सबको जाना है। तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो डिसाइड कर रहे हैं। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेयर करने के लिए, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि न्यूली ब्राइड हूँ। तो यू नो वेरी वेल कि अब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से कि मेरे पास क्या क्या है, और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना मुझे क्या पहनना चाहिए। वैसे तो मैं तब तक पहन चुकी होंगी क्योंकि ये व्लॉग उसी दिन आएगा जिस दिन जागरण होगा, और जागरण के अगले दिन आप देख ही लोगे कि मैंने क्या पहना होगा। सो मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। अब आपको पता है जागरण तो ऑब्वियसली रात का होता है, तो अब उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिस वन वुड बी द बेस्ट वन। ये बहुत अच्छी लुक पे जाएगी और अच्छी भी लगेगी, और मेरा फर्स्ट टाइम है साड़ी को वेयर करना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सच में बता रही हूँ, बट स्टिल उसके बाद भी देख लेंगे। और दूसरा ये है, ये भी बहुत अच्छा कलर है, और एक्चुअली में ये थोड़ी सी डिज़ाइनर साड़ीज़ हैं, तो उसके हिसाब से इसका पल्लू देखो कितना प्यारा है यार, जो नीचे आएगा ना वो बहुत सुंदर है ना। अभी मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं, खैर मैंने खोल के नहीं देखे ना, खोल के देख भी रही हूँ तो मुझे तो लगता है खाली यही है, यानी कि सारी सारी है इसके अंदर, मतलब ब्लाउज एंड ऑल पता नहीं। अम्मा मुझे ये बोल रही थी कि अगर सपोज कर लो आप ये नहीं वेयर करना चाहते कुछ, या टाइम टू टाइम नहीं बन पा रहा, तो आप कुछ ड्रेस को बुक करा लेना या कोई ड्रेस बुक करा लेना, बट मुझे लगता है कि यार ड्रेस बुक कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो ड्रेस आपकी नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, बेटर है कि उसमें कुछ बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो मुझे लगता है एक फ़ायदे का सौदा जिसको कहते हैं वो। प्लस एक सूट ये है, अगर ये सूट बनवाना पड़ेगा तो ये देख लेंगे। रात के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये कलर पहनना कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको वाजिब होगा, तो इसीलिए मैं ये कलर तो शायद नहीं पहनूंगी, बाकी देखते हैं डिसाइड करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो ये विजिबिलिटी भी अच्छी आ रही है ना इसकी, इसके साथ अच्छा इसी का फिर नीचे बॉटम भी रहेगा तो फिर वो बिल्कुल इक्वल लगेगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, सिंपल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रेसफुल है, मतलब ये खुद भी बहुत ग्रेसफुल है, अगर मैं ग्रेस के नीचे ग्रेस देती हूँ तो इट विल बी, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पार्टी वेयर 100% ये 100% ये आपको पार्टी वेयर तो है यार, हमारी मेहनत का भी वो करो गाइस 16 दुनी 22। हेलो, शुरू करता खाना उन्हें बस रखिए। और जी ठीक हो? हेलो कैसे हो? बढ़िया। और जी आप हमने कहा लेट हो रहा है, नहीं हम बस एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन पे गए थे किसी साइट पे, वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी थी, आपके फिर से नहाए तो बहुत गंदे लग रहे, आप ऐसे नहीं जा सकते। बैठो बैठो, मैं खाना शुरू करो इतने में आ जाइए। और ठीक है, चलो चलो खाओ 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 खाओ, बैठो बैठो, मामी को देखने के लिए। दो महीने से चालू
आपकी शादी में भी 20 रुपए थे या चाची मेरी शादी में 2 करोड़ रुपए थे ना, मेरी शादी में उसने 251 डाला था, 2 करोड़ रुपए चाची को ना शाम को प्यार करा के बिठा कर झांकी की तरह मार बेटे ने जता दिया 50 रुपए 20 रुपए शगन ने डर बोल रहे थे ना भाई चाची है ना दादी ने जो कहा नहीं मैं तो मम्मी ये लोग दयानंद हमारी फेवरेट है कड़ी पकौड़ी, चावल चावल कड़ी हमारा फेवरेट है, मेरे को अच्छी लगती है। और जाने के बाद जब पेरेंट जब गेस्ट ने चले जाना हमने जाके हाथ उठ मार ले छोड़ दो अगली बार नहीं खाना है, चलो ये नहीं खाना तुझे ये नहीं खाना, मैं क्या खाता आपने तो खाता हमारा ही, कहते नहीं नहीं अगली बार वास्ते भी यूज करना है। ये देख लो मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ्री में थ्रेडिंग होती हुई मम्मी की, और अब मैं होने लगा हूँ बहुत ज़्यादा बोर। तो बस करो यार, बस पागल हो गया मैं, बोर हो गया। मैं लेने जा रही हूँ अपनी साड़ी, अब तक फिंगर क्रॉस की बन गई हो, क्योंकि आज जिस फंक्शन में जाना है उसके लिए पहले ही तैयारी करके रखनी ज़रूरी होगी। तो लेट्स सी कहाँ पे है वो, आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो वो अभी आ रहे हैं, फिर मैं पूछती हूँ कि बन गई है कि नहीं। कल मैं आई थी तो बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट रेडी है, तो थोड़ा सा ही काम रह गया, तो होप्स हो आज वो भी पूरा हो गया हो और मुझे मेरी साड़ी मिल जाए। अपनी पूरी लुक रेडी होके दिखाऊंगी, और जो मैंने अभी सूट पहना है वो भी पूरा आपको एक बार अलग से उसकी स्टोरी या उसकी मैं शॉर्ट्स में डिटेलिंग डाल दूंगी, आप देखना और मुझे बताना कि आपको सूट कैसा लग रहा है, और साड़ी तो फिर आप मुझे लुक फाइनल बता ही देना कि कैसी लग रही है। तो एक बार मुझे साड़ी मिल जाए तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ और फाइनल लुक फिर आपको बाद में रिवील करूँगी। ये आ गई है, ये सिर्फ टेस्ट होगी अभी पता नहीं फाइनल तो नहीं है अभी। अच्छा वो भी आ रहा है, चलो ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ कैसे बनी है, एंड देन आई विल शो यू द फाइनल लुक।